हेलो फ्रेंड्स, मैं रणजीत निगम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर में। भाई मेरे वोकैबुलरी की हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू 10 डेज तक, ठीक है मेरे भाई, कंटिन्यू 10 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स होंगे उनको हम लोग रूट वर्ड से याद करेंगे। पहले ये चीज समझ, रूट वर्ड क्या चीज है, ताकि आपको खुद को समझ में आ जाए। रूट का मतलब होता है जड़, कोई चीज कैसे पैदा हो रही है या फिर कहां से पैदा हो रही है, वो कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, उन वर्ड के अपने अपने मीनिंग होंगे और उन्हीं वर्ड के थ्रू जो वर्ड्स बनते हैं तो उन्हीं के रेंज में, उन्हीं के स्पेक्ट्रम में वो सारे वर्ड्स लाई कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। ये जो रूट वर्ड है वो इंग्लिश भी हो सकते हैं, ग्रीक के भी हो सकते हैं, वो लैटिन भी हो सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो पहला रूट वर्ड है मेरे भाई, वो क्या है, वो एम एम ई या फिर एमओ, क्या मतलब है, एम एम ई या फिर एमओ, ठीक है, एम एम ई एमओ। जब भी ये तीन रूट वर्ड्स आपको किसी वर्ड में दिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई लव, इसका मतलब होता है प्यार होता है, फ्रेंडशिप होती है या फिर फ्रेंडली होता है, ठीक है मेरे भाई। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक कैसा वर्ड है, ये एक सकारात्मक वर्ड है। तो एम एम ई एमओ इसकी मीनिंग क्या होती है, लव या फिर फ्रेंडली होती है, और जिसका लव या फ्रेंडली होती है, ये हमारे किस तरह का वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। देखो कौन कौन से वर्ड शुरुआत होती है, सबसे पहले ये देख लो, पहला वर्ड होता है हमारा अमोरस, एमओ रस, हमारा क्या वर्ड, रूट वर्ड था एमओ। एमओ का मतलब मेरे भाई क्या होता है, एमओ का मतलब, अमोरस का मतलब होता है रोमांटिक होता है, रोमांटिक हस्बैंड होता है, रोमांटिक वाइफ होती है, तो अमोरस वाइफ होती है, अमोरस गर्लफ्रेंड होती है, तो अमोरस का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका रोमांटिक हो जाएगा। अगले वर्ड की बात करेंगे, एमिएबल होता है या फिर एमिकेबल होता है मेरे भाई, क्या होता है, एमिएबल होता है या फिर एमिकेबल होता है। देखो एमी एमी, तो एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली से होता है, तो फ्रेंड से होता है, लव से होता है, तो एमिएबल का मतलब या फिर एमिकेबल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, फ्रेंडली नेचर का, जो इंसान काफी खुशमिजाज, काफी अच्छे, काफी दोस्ताना नेचर टाइप का होता है, कहते हैं ये काफी फ्रेंडली है, इससे बात करो तो अच्छा लगता है, काफी अच्छे नेचर का है, काफी फ्रेंडली नेचर का है, ठीक है मेरे भाई। और हम वर्ड्स देखते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा मेरे भाई एमिटी का, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है, एमिटी एक कॉलेज भी है मेरे भाई, तो एमिटी का मतलब क्या होता है, एमिटी का मतलब भी होता है फ्रेंडशिप होती है मेरे भाई, एमिटी का मतलब फ्रेंडली भी होता है, फ्रेंडशिप भी होता है, और एमिटी का मतलब मेरे भाई रिलेशन भी होता है, आपका किसी के साथ कैसा मेल जोल है, तालमेल है मेरे भाई, तो एमिटी का मतलब क्या होता है, एमिटी का मतलब आपका होता है फ्रेंडशिप या फिर रिलेशन। देखो हम लोग एमी पे अभी और आगे वर्ड्स देखते हैं, भाई मेरे देखो, जो हमारा रूट वर्ड था एम एमी या फिर एमओ, हमने कल लिखे अभी 6 वर्ड है, पहले 3 वर्ड्स और किए थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट 100% लगता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला वर्ड क्या लिखा है, एमी, देखो एमी हमें फिर मिल गया, एमी का मतलब क्या होता है, कॉमरेड होता है, साथी होता है, आप फ्रेंड होता है मेरे भाई, दोस्त होता है, तो एमी का मतलब क्या होता है, कॉमरेड होता है। एमेच्योर, भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, मैंने लिख भी दिया था, एमेच्योर वर्ड जो है वो कंटिन्यू बहुत पूछा जाता है, स्पेशली सिनोनिम्स में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, एमेच्योर का मतलब क्या होता है, अगर आपको कभी वर्ड एग्जैक्ट वर्ड ना याद आए तो आपको एमए याद आ जाएगा, नहीं यार एमए का मतलब मैंने पढ़ा था फ्रेंडली होता है, लविंग से होता है, तो जो इसका सिनोनिम्स होगा वो भी लव जैसे कुछ करेगा, या फिर जो इसका एंटोनिम होगा वो कुछ हेट रिलेटेड ऐसा वर्ड आएगा। तो एमेच्योर का मतलब क्या होता है, शौकीन व्यक्ति हिंदी में, प्रैक्टिसिंग ऑक्यूपेशन फॉर द लव, किसी को अपने अपने काम से प्यार होता है मेरे भाई, कहते हैं ना कि आई एम लविंग फॉर द माय प्रोफेशन टीचिंग, या फिर आई एम लविंग फॉर द माय प्रोफेशन बिजनेस हो गया, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है मेरे भाई, इंसान को अपने काम से प्यार होता है, एमेच्योरी मेरे भाई, एमेटोरी, देखो एमेटोरी का मतलब भी रोमांटिक होता है, और एमोरस का मतलब भी, एमेटोरी का मतलब और एमोरस का मतलब क्या होता है, रोमांटिक होता है, एमेरेंडा,
एमनेंडा मेरे भाई, एमनेंडा का मतलब भी क्या होता है, लविंग होता है, प्यार को उत्पन्न करने वाला। एमनेंडा का मतलब मेरे भाई क्या होता है, लविंग होता है। इनामोर, 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 इनामोर मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, इनामोर। आप कहोगे रूट वर्ड कहाँ है, तो रूट वर्ड एम यहाँ पे है। इनामोर का मतलब क्या होता है, इनामोर का मतलब होता है चार्म्ड, आनंदित होने वाला, जो इंसान बहुत खुश रहे, खुश रखे सबको। देखो मेरे भाई ये जो वर्ड्स है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक मेरे हिसाब से हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव और एक हाई एंथुसियाज्म के साथ रहोगे तो आप भी खुश रहोगे, और जो लोग आपसे कनेक्टेड होंगे भाई उनके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर होंगी। तो कहते हैं कि पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट्स नेगेटिविटी, तो जैसे आप खुद होगे वैसे ही आपको खुद मिलेगा। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, चार्म्ड रहो, इनामोर रहो। इन अमोरेटो, इन अमोरेटो मेरे भाई, एमो इन अमोरेटो क्या होगा, प्यार से रिलेटेड कुछ होगा। इन अमोरेटो क्या, अ मैन विद होम अ वुमन इज इन लव, एक ऐसा इंसान जिससे कोई महिला प्यार करती है, उससे प्रेम करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन अमोरेटो मेरे भाई बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों 7 से 8 वर्ड याद किए हुए। देखो एकदम से बहुत सारा झोंपन दे देंगे, मोस्ट बेसिकली 200 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स होते हैं, अगर ये सारे याद हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड आप कम से कम भाई 2,500-3,000 तक वर्ड्स आराम से निकल जाते हैं, आराम आराम एक एक करके चलेंगे। ठीक है, हाँ देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था ईच और एवरी के बीच में मेरे भाई क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे ग्रामर मेरे भाई लग जाती है, चाहे कोई भी तुम एग्जाम देते हो, SSC बैंक कुछ भी देते हो, अगर ग्रामर आती है तो ईच एवरी का मतलब क्या होता है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाई कि ईच स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ईच स्टूडेंट सुना होगा मेरे भाई आपने, आपने क्या सुना होगा, ईच स्टूडेंट सुना होगा, लेकिन आपने ईच स्टूडेंट और एवरी स्टूडेंट मेरे भाई ये दोनों सही है। हमारा स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और हम लोग इसको ईच को कैसे यूज कर रहे हैं, एज एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने ईच ऑफ द बुक सुना होगा, लेकिन आपने एवरी ऑफ द बुक्स नहीं सुना होगा। क्या मतलब है कि हमारा जो एवरी का यूज करते हैं वो खाली हम लोग एज एडजेक्टिव कर सकते हैं, एज अ नाउन, नाउन या प्रोनाउन नहीं कर सकते, जबकि ईच का यूज हम लोग एज एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह मेरे भाई किया जा सकता है। ठीक है, देखो हमारे 100+ के अराउंड ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेली वन बाय वन करके हम लोग वीडियो शूट करेंगे, तो ग्रामर की भी वीडियो जो आपके रूल्स हैं वो अपने यहाँ कम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, ये वर्ड्स को याद कर लेना, इनको बताना कि आपका कैसा क्या रिस्पॉन्स है, और इन वर्ड्स के मीनिंग को आप कॉमेंट में मेरे भाई लिखना, कॉमेंट में लिख दोगे तो अच्छी बात ये हो जाएगी कि आपको अपने आप सारे ये वर्ड्स मेरे भाई याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई।